हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बैजनाथ और आपको सिखाने वाला हूं एलजेब्रा बेसिक एलजेब्रा पार्ट 3, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए इस लॉकडाउन में बेहद जरूरी है। तो बज गया है शाम के 6:30 और आप देख रहे हैं एग्जाम तक वॉरियर्स। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मैजिकल क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 2 पार्ट इससे पहले अपलोड कर दिया है एलजेब्रा का बेसिक क्लास एकदम। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उन 2 वीडियोस को देख लीजिए और ये 3रा पार्ट आज इसमें मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं, तो फिर काम आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, सर मेरा नाम आप नहीं लेते हैं। तो नाम लेने से कुछ नहीं होता है, आप डेली वीडियोज को देखिए और उसके नीचे कमेंट करिए। जो जो वीडियो के देखकर उसके नीचे कमेंट करेगा उसका नाम है कर ले लूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। पहले आपको एक खास बात का, इस बात का ध्यान रखना है, प्लस और प्लस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस ही होता है, ठीक है। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस ही होगा। ध्यान से इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 4ab × 3ab मल्टीप्लाई करने में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें साइन का मल्टीप्लाई करना होता है, अर्थात चिन्हों का गुणा करना होता है। क्यों, चिन्हों का ही तो पहले गुणा करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है सामने, यहाँ भी दिख रहा है लेकिन प्लस है, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, लिखेंगे नहीं लेकिन प्लस ही आएगा। फिर 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ एक ही अकेला, यहाँ एक ही है, दो बार है ना, तो ए स्क्वायर कर देंगे। फिर बी, एक यहाँ एक यहाँ दो है ना, तो बी स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। एक बात और मैं आपसे बता दे रहा हूं, अगर मल्टीप्लाई करते समय, ये ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक को जान लीजिए, अगर मल्टीप्लाई करते समय एक माइनस आ रहा है या 3 माइनस आ रहा है या 5 माइनस आ रहा है, यानी कि ऑड में आ रहा है अर्थात विषम में आ रहा है, तो पूरे का जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अगर इवन में आ रहा है, 2 माइनस आ रहा है या 4 माइनस या 6 माइनस, तो उसका आंसर किस में आएगा, तो प्लस में आएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी देखिए, एक माइनस है ना, तो ऑड में है, या फिर ऐसे भी कर प्लस माइनस माइनस। फिर क्या करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर पे चिन्हों का मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात साइन का, उसके बाद हम अंकों का करते हैं। फिर क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे 12 में। उसके बाद ए है, ए का गुणा किस में करेंगे, ए क्यूब में। फिर बी है, बी का गुणा किस में कर देंगे, बी स्क्वायर में। ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। अब 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 3 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 36, यानी कि 12 × 3 क्या हो जाएगा, 36। यहाँ पे ए 3 बार है, यहाँ ए 1 बार है, जब गुणा करते तो उसके जो घात होते वो जुट जाते हैं, 3 × 1 = 4, 36 × 4। बी पे यहाँ 2 है, बी पे यहाँ पर 1 है, 2 × 1 = 3। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और लाइव चैट में आप क्वेश्चन नोट करते रहे, सर समझ में आ रहा है या नहीं बताते रहिए आप लोग। और डेली शाम 6:30 मेरे चैनल पर आ जाए, और इसी तरह के वीडियोज आपको, अच्छे अच्छे वीडियोज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें चैनल को सब्सक्राइब। क्लास 6, 7, 8 के लिए भी ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। आइए रहते हो क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, जैसे जब इजी क्वेश्चन रहता है तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना देता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हवा में उड़ाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि साइन का गुणा करिए अर्थात चिन्हों का गुणा कर लीजिए। तो चिन्हों का जब आप गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम अंकों का करते हैं, जिसे हम नॉन वेरिएबल बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, 8 × 1/16। फिर इसका ए का ए में करेंगे, बी का बी में करेंगे, और सी का सी में, ऐसे मल्टीप्लाई करते हो जाएंगे, इंटू
ए स्क्वायर, ध्यान से देखिए यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर ही है, ये ऊपर है, जब जब भी साइड में लिखा रहा था उसको ऊपर मानते नीचे नहीं मानते, इनटू यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है सी क्यूब है और यहाँ पे कितना है सी क्यूब यहाँ पर भी है। अब यहाँ देखिए काट दीजिए, 8 1 8 8 2 16 माइनस वन का यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन बाई टू इंटू ए, ए यहाँ दो बार है, यहाँ दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसको इसके इसके एक्सपोनेंट अर्थात पावर तो ऐड हो जाते हैं, दो और दो मिलकर 4, बी पर 4 यहाँ 2 यहाँ बी पर 6, सी पर 3 यहाँ 3 यहाँ सी पर 6, इस तरीके से इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो आप लोग बताइए समझ में आया या नहीं आया, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। इस लॉकडाउन में मेरा छोटा सा प्रयास है सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरे इंडिया के, तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोगों का काम क्या है, पैसा नहीं लगना है, शेयर करने में तो पैसा लगता है नहीं, ना ही लाइक करने में ना ही सब्सक्राइब करने में, तो कम से कम इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। आइए लेते हैं छोटा सा और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, माइनस 8ab² c इंटू 3a² b इंटू माइनस 1/6, ये चीज यहां पे हो गया। अब क्वेश्चन को ध्यान, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है, क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, आ रहा हूं बस एक मिनट। आप लोग सॉल्व करिए बस एक मिनट में आ रहा हूं, थोड़ा जरूरी पड़ गया है। हेलो डियर स्टूडेंट, सॉरी, उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे कितना माइनस, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ पर है, तो एक माइनस यहाँ एक माइनस, माइनस दो बार हो गया ना, दो बार का मतलब ये हो गया कि वो इवन नंबर में आ गया अर्थात वो सम संख्या में आ गया, तो जो उसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, तो प्लस आप यूज करिए चाहे ना करिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 8 का मल्टीप्लाई किस में, पहले हम साइन का करने के बाद हम बढ़ जाएंगे डिजिट की तरफ, 8 × 3 × 1/6 इंटू, अब ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ ए अकेला है, यहाँ ए दो बार है, फिर इंटू बी यहाँ दो बार है और बी यहाँ पे क्या है अकेला है, हो गया, इंटू सी यहाँ पर अकेला है बस, और कहीं कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा 3 1 3 3 2 6 या 3 1 3 3 2 6 ऊपर से नीचे कट जाता है, फिर 2 1 2 2 4 8 यहाँ 4 आ गया, फिर ए स्क्वायर यहाँ ए, यहाँ ए दो बार, यहाँ एक बार, यहाँ यहाँ एक बार माना जाता है, लिखा नहीं लेकिन माना जाता है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, बी कितनी बार हो जाएगा 2, यहाँ 1 यहाँ 3 हो जाएगा, सी अकेला है, इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। फटाफट फटाफट वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दिए जितने भी वॉचिंग कर रहे हैं। आइए रहते हैं आज का 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आज के बाद से अलजेब्रा का गुड़ा आपको कभी भी तंग नहीं करेगा, कितना सा बड़ा से बड़ा भी मल्टीप्लाई होना आप उसको चुटकियों में कर देंगे इस मेरे मेथड से। आइए लेते अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो ही मजा आएगा। -1/27 a² b² इंटू -9/2 a³ bc² ये क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको आप सभी लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए आप लोग सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स
सॉल्व करिए क्वेश्चन को, देखते हैं किसका आंसर पहले आ जाता है। चलिए सॉल्व करते रहिए आप लोग। सबसे पहले मैंने आपको क्या कौन सी बात बताई है कि सबसे पहले आप साइन का गुणा करिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। मैंने आपको एक बात और बताई है कि जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दो माइनस रहता है तो प्लस लिखने की कोई जरूरत, आप ऐसे छोड़ दीजिए। फिर 1/27 इंटू 9/2 यहां तक कर लिया ना, पहले ये और ये जो अंक होते हैं ना उसका मल्टीप्लाई यानी गुणा आप कर लीजिए। फिर ए स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या है ए क्यूब है, ये हो गया ना ए, यानी कि ए की कहानी खत्म हो गई। फिर क्या बचा, बी स्क्वायर इंटू बी बचा, और फिर क्या बचा है सी स्क्वायर। यहां तक ये चीज हो गया है ना, इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए, 9 1 9, 9 3 27, यानी कि ऊपर से ये नीचे वाला जो भी होता है वो कैंसिल हो जाता है। 9 1 9, 9 3 27, ऊपर क्या बचा है 1 1 1, और ये 3 2 6, ये चीज हो गया। फिर इंटू यहाँ ए क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पे जो इसको एक्सपोनेंट अर्थात पावर तो ऐड हो जाते हैं, 3 2 मिलकर 5, ए पे 5 इंटू बी पे 2, यहाँ 1 यहाँ, बी पे 3 इंटू सी स्क्वायर। ये सब चीज यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कराने की इस पर गुणा होना है, तो क्या हो जाएगा ए पे 5 बी क्यूब सी स्क्वायर बाई 6, और यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जिसका जिसका भी आंसर आया हुआ है ना सभी का सही है, अब जिसका आंसर नहीं आया हुआ है उन सबका क्या है गलत है। फटाफट वीडियो को लाइक करते रहे आप लोग, शेयर करते रहे। आइए रहते क्वेश्चन नंबर 6, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। अब ये कह रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, -2/3 ए स्क्वायर बी इंटू 6/5 ए क्यू बी स्क्वायर, और कह रहा लास्ट में यहाँ पे जो लास्ट में जो है, यानी कि लास्ट में जब वो आंसर आ रहा है तो आप ए बराबर 2 और बी बराबर 3 रखने हैं, यानी कि आंसर आने के बाद वेरीफाई आपको करना है। आंसर आने के बाद जो ए का वैल्यू आएगा, ए के प्लेस पर हम 2 का यूज करेंगे और बी के प्लेस पर 3 का यूज करेंगे, ठीक है। देख लीजिए आराम से, देख लीजिए क्वेश्चन को। तो आइए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोई भी वर्क नहीं है, या फिर यहाँ पे रख सकते हैं शुरू में ही, कोई दिक्कत नहीं है। पहले शुरू वो काम करते हैं, -2/3 ए स्क्वायर बी इंटू 6/5 ए क्यूब बी स्क्वायर, यहां तक दे रखा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आप लोग देख लीजिए, पहले मैंने आपको बताया कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। प्लस यहां पर है क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो गया ना। अब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/3 इंटू 6/5, फिर क्या करना आपको ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, फिर आपको क्या करना है इंटू बी का बी स्क्वायर में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी कि सबसे पहले आपको साइन का मल्टीप्लाई करना है, फिर डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना। अब देखिए क्या हो जाए होने वाला है, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4, -4/5, फिर यहाँ पे क्या बचा है ए 3 यहाँ 2 यहाँ, 3 2 5, बी 2 यहाँ 1 यहाँ, बी पे 3, इतना तो आ चुका है। लेकिन कह रहा है एज इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे हम आपके सामने रख के चेक कराते हैं। दे रखा है -4 ए पे 5 बी पे 3 बटे 5, तो -4 यहाँ पे इंटू का निशान है, ए पे 5 एक जगह पे 2 रखा है तो 2 हम रख के ट्राई करते हैं, इंटू बी पे 3, बी के जगह 3 दिया तो 3 के ऊपर 3 बाई 5 क्या हो जाएगा -4 इंटू 2 के ऊपर 5, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 हो जाएगा, और फिर गुणा 3 3 9 3 27, कितना हो जाएगा 27/5, तो कितना यहां से हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहां पे 4 2 8 4 3 4 2 8 4 3 12, -128 -27/5। अब आपको करना क्या, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, 128 का 27 में गुणा कर दीजिए, उसके बाद 5 से आप भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये तो हर एक स्टूडेंट कर सकता है। चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना वीडियो को ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7, और काफी लंबी लंबी क्लास होने वाली है क्योंकि इतने आसानी से मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आगे कह रहा है मल्टीप्लाई 3x का आपको मल्टीप्लाई करना है 2x + 5y। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है, अभी तक तो क्वेश्चन ठीक ठाक था, वैसा क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट कर लेता है जो भी हल्का फुल्का पढ़ाई करता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस क्या आप कर पाते हैं, खुद को जांचिए। चलिए देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस अगर रहे ब्रैकेट के बाहर कुछ रहे तो पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है ना। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि करण है तो अर्जुन जरूर आएगा, यानी कि अगर इसमें गुणा किया गया तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, पहले इसका इसमें करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 3 का 2 में करेंगे, 3 × 2 = 6, x एक बार यहाँ एक बार है, दो बार है, तो x के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर 3 का 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15, फिर यहाँ पे है x y, इस तरीके से आपका आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि पहले इसमें करना है इसका, फिर इसमें इसका करना है, तो 3 × 6 = 3 × 5 = 15 x y, इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे ही करने वाले हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 9x² 5x + 7, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वही यहाँ पे माइनस करते हैं, इस बार पहले इसका इसमें करते हैं, 9 × 5 = 45, x दो बार यहाँ, x एक बार, 3 बार आना, तो x पे 3 माइनस 9 = 63x². इस तरह से क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें हल्की सी दिक्कत आ सकती है, -4x² y, फिर 3x² - 5y, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, बस कहानी हो जाएगी खत्म। देखिए दोस्तों, पहले इसका यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 का 3 में करेंगे, 4 × 3 = 12, एक्स दो बार यहाँ, दो बार, तो दो दो मिलके 4, एक्स पे 4, और वाई अकेला तो अकेला छोड़ दीजिए, फिर माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 × 5 = 20, एक्स दो बार यहाँ, एक्स नहीं है तो जो ये बार उसी को उतार दीजिए, वाई एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो वाई पे 2, इस तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जरूर समझे होंगे। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप सभी साथ साथ क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। चलिए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान से आप समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हम इन दोनों में कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कराते हैं, और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कराते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले जब ए का बी में, जैसे ए का बी में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है, बस ए का बी में गुणा करेंगे ए बी हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ए का सी में गुणा करेंगे ए सी हो जाएगा, फिर प्लस बी का सी में गुणा करेंगे बी सी, और बी का ए में गुणा करेंगे ए बी, या बी ए चाहे जो भी लिख दीजिए, ठीक है, फिर प्लस ए का सी में करेंगे ए सी, और प्लस माइनस माइनस बी का गुणा सी में करेंगे बी सी। अगर आपने ऐसे देखा 2 फिर -2, ये कट के 0 हो जाता है, अगर ऐसे भी लिखा 2 - 2 तो भी वो 0 माना जाता, कट जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर कहीं ए माइनस ए है तो कट के 0 हो जाता है। हम खोजेंगे कहीं ऐसा केस तो नहीं है, यहाँ पे प्लस ए भी माइनस ए भी, इस तरीके से हम कैंसिल कर सकते हैं, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आराम से वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, और दोस्तों में टाइम मैं दे रहा हूँ थोड़ा शेयर कर दीजिए, रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो जो वीडियो के नीचे कमेंट करेगा उसका नाम मैं कल लेने वाला हूँ, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आज का, x × x + 4 + 3x² - 1
ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे हवा में उड़ाने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, ठीक है। x का x में किया तो x स्क्वायर हो गया, x का 4 में किया तो 4x हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें, 3 का 2 में 3 दूना 6, x यहाँ 2 बार यहाँ 1 बार है तो 3 हो गया ना, तो 3 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस 3x का 1 में 3x, और बाकी सब ऐसे उतार लेंगे क्योंकि उधर बुरा नहीं कर रहा है। अब देखिए आम इमली कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो सकता है, जैसे कि बहुत बार मैंने आम इमली कंसेप्ट पहले दूसरे पार्ट में पढ़ा रखा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात को पहले लिखते हैं, 6x क्यूब को पहले लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ 4x स्क्वायर यहाँ इसको मिक्स आउट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 4x और माइनस 3x, और यहाँ पे प्लस 4 उतार लिया। अब क्या करेंगे, 6x क्यूब, गलती से 6x क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर मत जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ एक्स पे 3 घात है और यहाँ एक्स पे 2 घात, ये नहीं जुटेगा, ये जुट सकता है 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, 4 एक मिलकर 5x स्क्वायर, फिर 4x में से 3x जाएगा, 1x बचेगा प्लस 4, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। तो बस यहीं पर हम सेशन को एंड करते हैं। तो मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूँ कि जो भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी चैनल पर ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें और बताएं कि वीडियो आपने डिसलाइक क्यों किया। तो चलिए बस यहीं पर एंड करते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर लॉकडाउन का पालन करते रहिए।